ग्रेवी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg के करीब मिक्स्ड पीसेस वाला चिकन ले लिया है, और वॉश करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon जो ये है देगी रेड चिली होती है ना, देगी मिर्च, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसके साथ मैंने ले लिया योगर्ट 1.5 cup, इसे बीट कर लिया और ये इसमें मिक्स कर देती हूँ। और इस मैरिनेशन को चिकन में मैं अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। आपने ध्यान रखना है कि योगर्ट जो है दही, इसको अच्छी तरह से बीट करना है, ये आपने ध्यान रखना है। और थोड़ा थोड़ा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब जब ग्रेवी का काम करेंगे कुछ मसाला हम उसमें ऐड करेंगे, और जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे उतना ही टाइम काफ़ी है इसे मैरिनेट होने के लिए। चिकन की मसाला ग्रेवी बनाने के लिए पैन में मैं डाल रही हूँ 2-3 चम्मच ऑयल, और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज पत्ता। आपने ध्यान रखना है कि जो ऑयल है ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे, क्योंकि अगर मीडियम फ्लेम पे बनाते हैं तो इसका जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो और भी कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ इसके साथ मैं डाल रही हूँ जिंजर, ये मैंने हल्की हल्की चॉप कर ली है, चॉप किया हुआ गार्लिक और चॉप की हुई हरी मिर्च, इसको हम मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया अनियन, ये 2 बड़े बड़े प्याज थे तो मैंने इसे काट लिया है। अगर आपके पास प्याज छोटे हैं आप 3 ले लेना, ये बड़े थे तो मैंने 2 ही लिए हैं। और इसको मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भून लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मसाला पूरा भून चुका है शानदार तरीके से, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से टमाटर, मैंने ये क्रश कर दिए, आप चाहे तो काट के भी इसे डाल सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon देगी रेड चिली, थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सो दैट ये सारे मसाले भी इसमें पक जाए। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी टमाटो प्यूरी भी 1 tablespoon डाल देती हूँ सो दैट इसका कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। इस मसाले को अच्छी तरह से मैं मिक्स करके भून लेती हूँ, और जैसा कि मैंने दिखाया था मैरिनेटेड चिकन बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हाथ के हाथ ये चिकन मैरिनेटेड ये भी इसमें डाल देती हूँ, और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके धीरे धीरे भून लेती हूँ। इसको 2-4 मिनट के लिए मैं पकने देती हूँ। ये चिकन अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 cups ऑफ वाटर। इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स करके, और इसको मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, लेकिन ढककर, इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। अब ये मीडियम फ्लेम पे बड़ी अच्छी तरह से ये पक चुका है, चिकन भी सॉफ्ट हो गया और ग्रेवी भी बस ऑलमोस्ट पक चुकी है। ऐसे समय पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत ही शानदार लगता है, और गरम मसाले का तो आप जानते ही हैं उसमें तो बहुत कुछ आ जाता है। तो लीजिए इसको 2-3 मिनट में तो हल्का बॉयल करूंगी, और उसके बाद ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। तो इसे चावल के साथ या फिर रोटी के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद हो उसके साथ एंजॉय करें।